जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:08 हो गई है, 10:08 AM, और मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 आवर बिता चुका है, सिर्फ 7 मिनट बाकी है 1 घंटे में। तो मैंने आपको जैसा वादा किया था कि मैं 1 घंटा बीत जाने दीजिए, 1.5 घंटा, तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पहला 1.5 घंटा आज आपको एक रूल बता दूँ। अगर आपकी कल की कोई पोजिशन खड़ी है तो उसको कभी भी आप काट सकते हो, सुबह 9:15, 9:25, लेकिन जो फ्रेश ट्रेड लेते हो वो हमेशा लेट द मार्केट कंप्लीट एटलीस्ट 1 आवर, ये एक रूल बना लीजिए अगर आप ट्रेडर हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वो मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मुझे पता है आप लोग ज़्यादातर लोग ट्रेडर हो, तो हमेशा एक नियम बना लीजिए, अगर आपकी कल की कोई पोजिशन है ऑलरेडी होल्डिंग, तो आप सुबह भी एक्शन ले सकते हो 9:15 पे उसके लिए। लेकिन कोई भी फ्रेश ट्रेड अगर कर रहे हो तो लेट द मार्केट ऑलवेज सेटल फॉर 1 आवर एटलीस्ट, यानी कि 10:15 तक आप चुपचाप बैठिए, फिर चार्ट पे नज़र डालिए, और अगर आपके पास कोई स्कैनर्स है तो स्कैन करिए, कहाँ आपको मौके दिखते हैं उस हिसाब से फिर अपने पैसे डालिए, क्योंकि बहुत मेहनत के पैसे। चलिए, अब सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। तो जैसा कि SGX निफ्टी दिखा रहा था वैसा ही निफ्टी ने खोला, और अच्छा खासा धमाकेदार एक मंदी के साथ खोला। तो जिनको जो लोग डरते हैं उनका क्या हुआ होगा, अगर वो लॉन्ग थे फ्राइडे को तो वो आज कट गए, ठीक है, क्योंकि 200 पॉइंट मामूली नहीं होता। तो अब क्या होना चाहिए, तो चलिए पहले तो हम स्क्रीन पर नज़र डालते हैं, स्क्रीन क्या दिखा रही है हमको। स्क्रीन बोल रही है कि सुबह इसने 461 का लो मारा आज ही अभी, और वहाँ से खींच के लेके आ गया 607 तक, यानी कि 140 पॉइंट खींच लिया अपने लो से। आप उसको मत देखें कि कहाँ खुला, खुला 541 पे, गैप डाउन खुला था 150 पॉइंट, क्योंकि कल की क्लोजिंग थी इसमें फ्राइडे की 690, गैप डाउन खुल के एक बड़ा लो बना के अब ऊपर आ चुका है। तो अब मेरा मानना है इसको 537 से लेके 530 से लेके 540 का जो जोन है वहाँ पे बाई करना चाहिए, 530 से लेके 540 फ्यूचर का लेवल के जोन में ज़रूर बाई करना चाहिए, और जो रिस्क लेना चाहते हो वो यहाँ पे भी बाई करें। मुझे लगता है आने वाले आज और ये कल तेज़ रखेगा मार्केट को, ऐसा मेरा मानना है। क्यों रखेगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आपको मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्यों बताऊंगा, क्योंकि मार्केट सुबह सुबह इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी दिखा चुका है। चलिए, ये मैंने खोल रखा है आपके सामने 15 मिनट का, पहले तो इसको पढ़ लीजिए, 10 दिन का चार्ट है और एक एक कैंडल 15 मिनट की है, एक एक निफ्टी की कैंडल कितने देर की है, 15 मिनट की। जब जब मुझे शॉर्ट टर्म कोई भी डिसीजन लेना होता है, मैं आज आपको एक टेक्निक सिखा देता हूँ, जब जब मुझे अभी क्या करना है अभी क्या करना है, तो मैं ये चार्ट हमेशा देखता हूँ 10 दिनों का और 15 मिनट का, 10 दिनों की मूवमेंट और 15 मिनट की कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इससे मुझे क्या निकल के आया, यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इस हाई से ये जो हाई था, ये 10 दिनों का चार्ट है, यहाँ 10 दिन के डाटा, इस हाई से मैंने इस हाई को कनेक्ट किया, ठीक है, और ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया। तो ये क्या बता रही है, 14,403 या एग्जैक्टली 403 आता है ये, और या 400 आप राउंड फिगर में एक बड़ा सपोर्ट दिखा रहा है। मार्केट यहाँ से गिर रहा है, आप याद है ये 15,050 से गिर रहा है, तो यहाँ कहीं जाके इसको एक बड़ा सपोर्ट है 14,403 के आसपास, ये आप 390 से 405 लिख लीजिए, 390 से 405, अगर वो टूटता है तो फिर किसी भी हालत में एक बार निफ्टी यहाँ जरूर आएगा, वो भी बता देता हूँ। फिर आपको निफ्टी एक बार 290 का आंकड़ा जरूर दिखाएगा अगर 14,400 टूटता है तो। लेकिन अभी इसने क्या किया, सुबह एक गैप डाउन खोला, एक बड़ा गैप डाउन, और पहले ही 15 मिनट में इसने एक लो का आंकड़ा मार दिया, पहले ही 15 मिनट में इसने एक हैमर बनाया, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, हैमर, 15 मिनट के चार्ट में इसने हैमर बनाया और 14,416 का लो बनाया, 14,416 का लो बनाया,
जो कि लगभग सपोर्ट के आसपास है, 403 के सपोर्ट के आसपास, क्योंकि एक गैप डाउन खुला, क्योंकि यहाँ एक बड़ा गैप रह गया। तो ये कोशिश करेगा आज दिन के दौरान इस गैप को फिलअप करने की, यानी कि 600 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा स्पॉट में, स्पॉट में बोल रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर्स में 670 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं जाके ये मुझे जो लगता है 626 तक जरूर जाएगा आज, 626 स्पॉट। स्पॉट और फ्यूचर में कितना डिफरेंस चल रहा है, अभी 544 चल रहा है, 626 तक जा सकता है आज आराम से, और उससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन सेफ बाई रहेगी 530 से लेके 540 का जोन। स्टॉप लॉस इसका रहेगा आपका 450 के नीचे की, 449 आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्ट, ठीक है, 449 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बाई करना चाहिए 530 से 40, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। और मुझे कल भी तेजी लग रही है एज पर आज का जो चाल है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या चलेगा, और यार गई बीजेपी गई जिसमें तो आज, तो इसलिए मार्केट गया और लॉकडाउन लग गया। तो सुबह सुबह या तो काटेंगे और वो शॉर्ट ही बनाएंगे। तो ऑपरेटर्स ऑलवेज प्लेज योर माइंड नॉट देयर माइंड, ओके, वो आपके माइंड को प्ले करके अपना गेम खेलते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ इन्होंने एक अच्छा खासा सपोर्ट पे लाके खींचा, तो आज 626 तक स्पॉट में जा सकता है निफ्टी, और अभी 544 चल रहा है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया किसी भी कारण से 650 के ऊपर, तो कल आप लोग 750 भी देख लोगे, ठीक है। तो अब आप लोग बोलोगे सर ये तो मंदी नहीं है, मंदी तो आ गई ना भाई, सुबह सुबह आपको मौका दिया, अभी जो भी मौके आएंगे सुबह सुबह ही मिलेंगे, जो झांप लोगे वो आपके, समझ में, जो पकड़ लिया वो आपका। तो अब मंदी आएगी कि नहीं आज दिन के दौरान, मंदी तभी आ सकती है जब किसी भी कारण से ये 450 को काटे या स्पॉट में 403 को काटे। तो मुझे कम चांस लग रहा है, क्योंकि इसको माल मिल गया होगा ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये अगर आप मैक्सिमम स्टॉक के लोस देखोगा, चलो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अब ये बजाज फिनसर्व 869 का लो मारा, वहाँ से 1000 पॉइंट खींच चुका है, ठीक है, यानी कि सुबह सुबह इसने माल खींच लिया लोगों का। अब इसको देखो 5315 का लो मारा, 5450, तो ये स्क्रीन आपको बताती है कि मार्केट में माल खींच लिया गया है। तो बी केयरफुल नाउ, ट्राई टू बाय नॉट टू सेल, ओके। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आई विल ऑलवेज ट्राई टू गाइड बेस्ट ऑफ माई सेल्फ टू यू ऑल, जितनी भी मेरी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज है उसमें गाइड।